वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। हम लोग ऑलरेडी ऑन डिमांड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th कर रहे हैं राइट नाउ, और प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग अपना 8.2 कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन 5th से इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। जिस भी बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए पुरानी वीडियोस सीड एकेडमी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा यहाँ पर गिवन है कि साइन 2x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब बात करते हैं कि साइन के साथ ये जो पूरा ब्रैकेट है बेटा, ये पूरा उसका एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। इसलिए हम एंगल और एंगल को इक्वल करते हैं। जैसे आप यूनिट को यूनिट के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ इक्वल करते हैं, आप मीटर को मीटर के साथ कंपेयर करते हैं, ऐसे ही जब आप एंगल होता है तो आप एंगल को एंगल के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप देखते हैं कि कौन सी रेशियो यहाँ पे यूज की जा रही है, और राइट साइड पे जो कांस्टेंट है उसी को उस ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो में ढूंढा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या है, साइन गिवन है बेटा, तो यहाँ पर आप साइन के टेबल में देखेंगे कि 1 कहाँ पर आता है। ठीक है, आप आता 1 के कॉस की में भी 1 है, 10 में भी 1 आता है, कॉट में भी आता है, सेक में भी आता है, लेकिन आपको उनमें से किसी में नहीं देखना है, आपको साइन में देखना है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो साइन है वो साइन 90 पे जो बेटा आपका है वो क्या होता है, साइन 90 जो आपका होता है वो 1 होता है। होता है या नहीं होता है? ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इस साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी एंगल है और 2 प्लस एक्स प्लस 10 डिग्री भी आपका क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर एंगल टू एंगल कंपेयर किया जाता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2x 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ पर हम इसको 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो यहाँ पर आपको हो जाता है 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। और x की बात करें तो 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपकी जो x की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 40 डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो आपका आंसर क्या आता है बेटा, फर्स्ट जो आपका फिफ्थ का जो आंसर है वो आता है 40 डिग्री। क्लियर है? सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो देखनी है, शुरू से लास्ट तक आपको देखनी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे इस चैप्टर की और आपको अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो 6 में आपको ये बोलता है कि जो 6 है वो बोलता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/4 है बेटा। तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/4 है, ये आपको गिवन दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा मीन्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सेम पॉलिसी अपनाएंगे यहाँ पर हम। पहले साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/4 माइनस 1 राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 4/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है बेटा, 3/4 आ गया आपका। तो साइन थीटा क्या होगा, आपका अंडर रूट दे देगा आपको 3/4 पर। ठीक है, 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 का तो बेटा आपका अंडर रूट 3 रह जाता है, और 4 को आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, रूट 3/2 आपका आ गया है। ठीक है, अब सेम चीज हो गई, आपका यहाँ पर एक रेशियो आ गया है, यहाँ कॉन्स्टेंट आ गया, तो साइन की ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम इस वैल्यू को ढूंढेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो साइन थीटा आपका हुआ वो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया और बेटा आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। सिर्फ आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत वैरायटी है, बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, लेकिन
मैं आपको बता सकती हूँ कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी ट्रिक लगने वाली है या ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। सिर्फ आपको वीडियोस में ध्यान से देखना है कि हर क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है जो आपको ये बताता है कि इसके बाद आपको ये करना है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक पैटर्न बताया है कि जब एक तरफ रेशियो चल रही है और दूसरी तरफ आपका एक कांस्टेंट चल रहा है तो आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू उसी रेशियो के अंदर ढूंढनी है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। इसी एक्सरसाइज का ये 7th क्वेश्चन है। ये सारे बेटा अभी आपके 1 या 1.5 दैट्स मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो ये जस्ट बेसिक्स है, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जिससे आप आगे कर पाए, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको तीन वैल्यूज दी हुई है। ये दिया हुआ है cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि cos 30 डिग्री है, cos 60 डिग्री है और cos 90 डिग्री है, और कुछ गिवन नहीं है। तो cos 30 डिग्री आपका आपको पता है √3/2 होता है, cos 90 आपका 1/2 होता है, और cos 90 जो है आपका 0 होता है, ठीक है। और कोई भी चीज जब 0 से मल्टीप्लाई करती है तो आपको पता है उसका आंसर 0 ही आता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ 9 थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप थीटा 90 की वैल्यू अगर 0 की रखते हैं तो आपको पता है ऑलरेडी आपकी 0 आती है। आप 30 रखते हैं तो 1/√3 आती है, 45 रखते हैं तो 1 आती है। तो इसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसके बाद हम लोग ये सेशन अगले उसमें कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली आपको यहां तक मेरा क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को पसंद भी किया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मी। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।